हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैलेंज। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मलेशिया में होटल कैसे बुक करते हैं। तो लेट्स सी। प्लान सम ट्रिप लाइक अ फॉरेन ट्रिप, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, लाइक दैट्स एशियन कंट्री। सो एवरीवन फर्स्ट गो टू नियर बाय कंट्री ओनली। सो एक्चुअली एज पर माय ऑन एक्सपीरियंस टुडे आई हैव टू शो यू, इफ यू वांट टू प्लान टू गो मलेशिया देन हाउ यू वांट टू arrange everything. Today I'm showing you in my journey started. First, if mind is coming like that we have to go somewheres out of the country, so we have to first search the hotel where we have to stay. जो होटल होता है वो हमारा accommodation होता है और वो हमारा proof होता है visa apply करने के लिए कि हम उस कंट्री में कहाँ पे रहेंगे। तो उस हिसाब से हमें पहले होटल बुक करनी चाहिए। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम जैसे मलेशिया जाते हैं तो हमें कैसे चीप होटल बुक करने चाहिए और कौन सी वेबसाइट्स पे चाहिए। सो लेट्स शो हाउ वी चेक अ होटल स्टेटस इन मलेशिया फ्रॉम इंडिया। सो नाउ वी हैव टू ओपन फर्स्ट आर इंटरनेट। तो ये हमने एक साइट खोला है booking.com। यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जाना चाहते हो, और अमाउंट हमारा इंडियन रुपीज में है। वी हैव टू शो हेयर एंड वी हैव टू रजिस्टर हेयर व्हेन यू वांट टू बुक, दैट इज नॉट कंपल्सरी बिफोर। सो वी हैव टू चेक इन मलेशिया, सो दैट इज द कैपिटल कुआलालंपुर। So that is popular. This is Malaysia. That only I have doing done. So I'm saying. So like example, for me, I take 2nd to 6th. Now this one and search. तो आप देख रहे हो इतने सारे होटल के लिस्ट आ गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप घूमने के मूड से मलेशिया का ट्रिप करना चाहते हो तो आपको पहले होटल बुक करना होगा, और होटल सब कोई चाहता है कि मुझे सस्ते में उपलब्ध हो। तो ये एक वेबसाइट है, मैंने बहुत ही सर्च किया है इंटरनेट को तब जाकर मैंने इसे पाया है booking.com। और यहाँ पे आप अपने सुविधा अनुसार, मतलब कि सस्ते में और महंगे में दोनों आप ले सकते हो। इवन कि ओयो रूम आल्सो अवेलेबल है मलेशिया। सो वी हैव टू चेक फर्स्ट लोएस्ट प्राइस फर्स्ट। ये सब जितने भी आप देख रहे हो ये 4 दिनों का है, आप देख रहे हो ना, बेड इन डॉर्मेटरी, मतलब इसमें आप 8 लोग रह सकते हो। पर ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेपरेट रूम चाहिए विदाउट क्रेडिट कार्ड। ये भी नहीं चाहिए मुझे। अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हो, ये जो अमाउंट है ये 4 नाइट का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। INR है, इंडियन करेंसी में है। हमने लेट कर दिया, हमने ये मिस कर दिया। ये भी देख रहे हो, हमें सिंगल रूम चाहिए। डॉर्मेटरी का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, 8, 9, 10 लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं रहना है। मुझे तो एक सिंगल बेडरूम चाहिए, इवन डबल बेडरूम, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हमें यहाँ एक मिला है डबल रूम 3,578 रुपीज। सो लेट्स चेक। सो दिस इज ओके। वन
one queen bed, center, air condition, everything is there. Okay, let's I reserve. तो afterwards आप यहाँ पे reserve कर सकते हो. I will reserve it. Now is asking date, everything is you have to fill, that is everyone know, this is not a no need to saying like that. So this is the I have to say like that only. कि आप जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले आपको होटल बुक करना पहला प्रोसेस होता है. तो जब आप होटल बुक कर लेंगे तो आपको वीज़ा लेने में इजी होती है. होटल बुक करने के बाद आपकी दूसरी स्टेप आती है फ्लाइट बुकिंग. वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां से आप कैसे इजी में फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो इंडिया से मलेशिया जाने के लिए. सो लेट्स थैंक यू.